रेवंत, तो इस वीडियो में आज हम रोहतास जिला के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने कैमूर जिला के बारे में पढ़ा था कि जो कि रोहतास जिले का ही विभाजन करके कैमूर जिले का निर्माण किया गया था। तो आज हम रोहतास जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रोहतास जिला से। तो रोहतास इज अ पार्ट ऑफ पटना डिविजन। तो रोहतास क्या था? तो पहले पटना डिविजन का एक भाग था। Established as a district on November 10, 1972 after splitting from Ara. तो इसकी स्थापना एक जिले के तौर पर कैसे हुई? रोहतास पहले पटना डिवीजन का भाग था, लेकिन इसकी जिले के तरह इसकी स्थापना कब हुई? जिले के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1972 को आरा जिले से, इसे विभाजन आरा जिले का विभाजन करके, जो कि पहले शाहबाद जिले के नाम से जाना जाता था आरा जिले को। तो शाहबाद जिले का विभाजन करके रोहतास जिले का निर्माण किया गया था। रोहतास जिले की स्थापना की गई थी 10 नवंबर 1972 में। नॉर्थ में इसके यानी कि रोहतास जिला है, उसके चारों तरफ से कौन कौन से जिले हैं इसको जानते हैं। तो नॉर्थ में इसके है भोजपुर और बक्सर। तो रोहतास जिले के उत्तर दिशा में है भोजपुर और बक्सर। वेस्ट में है कैमूर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कैमूर के ईस्ट में रोहतास है, तो रोहतास के वेस्ट में रोहतास के वेस्ट में है कैमूर जिला। ईस्ट में है औरंगाबाद और अरवल जिला। साउथ में है पलामू एंड गढ़वा डिस्ट्रिक्ट झारखंड का। तो इस तरह से चारों तरफ से ये तीन तरफ से तो बिहार के जिले से घिरा हुआ है, लेकिन साउथ के तरफ से ये झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले से घिरा हुआ है। तो आप मैप में भी देख सकते हैं, ये आपका हो गया कैमूर जिला, ये कलर किया हुआ, ये हो गया रोहतास जिला। यहाँ पे इसके साइड में ठीक औरंगाबाद, अरवल छोटा सा, फिर भोजपुर और बक्सर इसके नॉर्थ में। इधर साउथ में ये झारखंड के दो डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, पलामू और गढ़वा जिला। सोन रिवर फ्लोज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इस जिले से सोन नदी बहती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस जिले का क्या है, हिस्टोरिकली इस ये कैसे रिलेटेड है हिस्ट्री से। तो इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम रोहितस्व, सन ऑफ राजा हरिश्चंद्र। तो रोहतास जिले का नामकरण कैसे हुआ? तो रोहितस्व के नाम से हुआ। अब रोहितस्व कौन था? तो राजा हरिश्चंद्र का बेटा था रोहितस्व, और उसी के नाम पे रोहतास जिले का नामकरण हुआ है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ मगध एम्पायर, और ये मगध साम्राज्य का, मगध का जब साम्राज्य था उस समय ये मगध साम्राज्य का एक भाग था। द माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका एट चंदन साहिब कन्फर्म मॉरियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ रोहतास। तो अशोक के द्वारा एक माइनर रॉक एडिक्ट का निर्माण किया गया है चंदन साहिब में, तो ये बताता है कि मौर्यों ने रोहतास जिले पर विजय प्राप्त की थी। In 1537, Humayun seized the fortress of Chunar and Rohtasgarh from Afghan ruler Sher Shah Suri. तो 1537 में जो हुमायूं था, मुगल बादशाह हुमायूं, इसने चुनार और रोहतासगढ़ के किले को जब्त कर लिया था। किससे? तो अफगान के शासक शेर शाह सूरी से। A parallel road bridge, Jawahar Setu and rail bridge, Nehru Setu are built over the Son River. तो एक सोन नदी है जो इस जिले से बहती है, तो सोन नदी पे एक road bridge, एक सड़क पुल का निर्माण किया गया है जिसे झारखंड सेतु के नाम से जाना जाता है, और एक रेल ब्रिज का, एक रेलवे पुल का निर्माण किया गया है जिसे नेहरू सेतु के नाम से जाना जाता है, और ये सोन नदी पर दोनों पुल, सड़क पुल और रेलवे पुल बने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है इस जिले की। हेडक्वार्टर यानी कि जिला मुख्यालय, रोहतास जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय कहाँ है? तो वो सासाराम में है। तीन सब डिविजन, इसके तीन अनुमंडल हैं, सासाराम, विक्रमगंज और डेहरी। तो तीन अनुमंडल है सासाराम, विक्रमगंज और डेहरी, और इसमें 19 ब्लॉक है, 19 प्रखंड है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रोहतास जिले में है 2, और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या कितनी है? 7 है। पंचायत है रोहतास जिले में 246, गांव है 2088, पंचायत 246 और विलेजेस 2088, गांव 2088 है रोहतास जिले में। लोकेशन यानी कि रोहतास जिले की स्थिति, तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ये किसी भी जगह के स्थिति को बताता है कि वो मैप पे कहाँ स्थित है। तो रोहतास जिला जो है वो 24 डिग्री 30 मिनट से 25 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, और 84 डिग्री 14 मिनट से 83 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर पे स्थित है, लॉन्गिट्यूड पे स्थित है। टेम्परेचर इसका रहता है 45 डिग्री मैक्सिमम और 10 डिग्री मिनिमम, अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस।
एवरेज रेनफॉल यानी कि वार्षिक औसत वर्षा कहाँ कितनी होती है, तो औसत वर्षा होती है 952 मिलीमीटर। एरिया कितना है रोहतास जिले का, तो 3,881 स्क्वायर किलोमीटर है रोहतास जिले का टोटल एरिया या टोटल क्षेत्रफल। पॉपुलेशन इसका कितना है, तो रोहतास जिले की जनसंख्या है 29,59,918। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने व्यक्ति रहते हैं, तो रोहतास जिले में 763 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर पे रहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है इस जिले की, तो 20.8% है जनसंख्या वृद्धि दर। सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात कितने, 1,000 मेल्स पे कितने फीमेल्स हैं यहाँ, तो 1,000 मेल्स पे यहाँ 918 फीमेल्स हैं, 1,000 पुरुषों पे 918 महिलाएं हैं। लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर कितनी है रोहतास जिले की, तो रोहतास जिले की साक्षरता दर है 73.4%। मेल लिटरेसी रेट यानी कि पुरुष साक्षरता दर कितना है रोहतास जिले का, तो 82.9% है पुरुष साक्षरता दर। फीमेल लिटरेसी रेट यानी कि महिला साक्षरता दर कितनी है रोहतास जिले की, तो महिला साक्षरता दर है 63%। लैंग्वेज यानी कि कौन कौन सी भाषा बोली जाती है इस जिले में, तो भोजपुरी और हिंदी भाषा मुख्यतः इस जिले में बोली जाती है। इकोनॉमिक प्रोफाइल यानी कि आर्थिक स्थिति कैसी इस देश की, इस जिले की अर्थव्यवस्था किस चीज पे आधारित है, तो इस जिले की अर्थव्यवस्था जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है, यानी कि पूरी तरह से इस जिले का जो इनकम है, इस जिले का जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे आधारित है, एग्रीकल्चर पे आधारित है। इसे राइस बॉल ऑफ बिहार कहा जाता है, यानी कि बिहार के चावल का कटोरा रोहतास जिले को कहा जाता है। हमने कैमूर जिला में भी पढ़ा था कि कैमूर जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि कैमूर भी रोहतास जिले का ही एक भाग हुआ करता था, तो रोहतास जिले का ही विभाजन करके कैमूर बनाया गया, इसलिए इन दोनों जिलों को ही राइस बॉल ऑफ बिहार या बिहार के चावल का कटोरा कहा जाता है। इंडस्ट्रियल टाउन यानी कि इस जिले में औद्योगिक टाउन कौन सा है, तो औद्योगिक शहर जो है वो है डेहरी ऑन सोन। Until 1918, डालमिया नगर वाज मेजर इंडस्ट्रियल सिटी, तो 1980 तक डालमिया नगर जो था वो इस जिले का एक महत्वपूर्ण क्या था, तो एक मेजर इंडस्ट्रियल सिटी था, तो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर था। मिनरल्स यहाँ खनिज किस तरह के पाए जाते हैं इस जिले में, तो रोहतास जिले में लाइम स्टोन, चूना पत्थर, पाइराइट, बालू और बलुआ पत्थर या सैंड स्टोन पाए जाते हैं मिनरल्स के रूप में, खनिज के रूप में। कल्याणपुर सीमेंट्स लिमिटेड, बंजारी रोड NJBM, डालडा एंड रिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी ऑन सोन आर सम इम्पोर्टेंट एंटरप्राइजेस, तो ये सब जो है वो कुछ महत्वपूर्ण उद्यम है इस जिले के। रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स यानी कि कितने रजिस्टर औद्योगिक इकाई है, रजिस्टर किए हुए कितने औद्योगिक इकाई की संख्या है, तो 4,582 संख्या है जो रजिस्टर किए हुए औद्योगिक इकाई है। मीडियम एंड लार्ज यूनिट्स यानी कि रजिस्टर मीडियम एंड लार्ज यूनिट्स, पंजीकृत मध्यम और बड़े इकाई जो है उनकी संख्या है 2। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री यानी कि किस तरह के उद्योग इस जिले में है, कौन किस तरह के उद्यम इस जिले में किए जाते हैं, तो एग्रो से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, सोडा वाटर से रिलेटेड, कॉटन टेक्सटाइल यानी कि सूती कपड़ों से रिलेटेड उद्योग है, सिल्क एंड आर्टिफिशियल थ्रेड बेस्ड क्लॉथ यानी कि सिल्क और आर्टिफिशियल धागा पर बेस्ड जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उनके इंडस्ट्री है यहाँ। उलेन यानी कि ऊनी कपड़ों की, वुड एंड वुडन बेस्ड यानी कि लकड़ी और लकड़ी पे आधारित जितने भी सामान बनते हैं वो रोहतास जिले में ऐसे उद्योग हैं। फर्नीचर से रिलेटेड है, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट से, पेपर और पेपर से जो उत्पाद होता है वैसे यहाँ पे इंडस्ट्री है। लेदर बेस्ड यानी कि चमड़े चमड़े का उद्योग है, केमिकल बेस्ड, रबर एंड प्लास्टिक बेस्ड, मिनरल बेस्ड यानी कि खनिज उद्योग है यहाँ पे, मेटल बेस्ड, इंजीनियरिंग यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल सामान जुड़े इलेक्ट्रिकल मशीनरी है वो सब के भी उद्योग यहाँ पाए जाते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन से जितने भी जुड़े इक्विपमेंट्स हैं उसके भी उद्योग छोटे छोटे रोहतास जिले में हैं। हेरिटेज एंड टूरिज्म यानी कि उस जिले का पर्यटन और पर्यटन लायक स्थल, पर्यटन स्थल कौन कौन सा है,
तो वो है रोहतासगढ़। पहला है रोहतासगढ़। तो रोहतासगढ़ कहा जाता है कि इट इज सपोज टू बी बिल्ट बाई हरिश्चंद्र ऑफ सूर्य डायनेस्टी। तो रोहतासगढ़ को ऐसा कहा जाता है कि ये रोहतासगढ़ जो है वो सतयुग के राजा हरिश्चंद्र के द्वारा बनाया गया था, जो कि सूर्य वंश के शासक थे। सतयुग के राजा हरिश्चंद्र ने, जो सूर्य वंश के शासक थे, उन्होंने रोहतासगढ़ का निर्माण कराया था। एंड नेम आफ्टर हिज सन रोहित, रोहितश्व, यानी कि उन्होंने एक निर्माण कराया था रोहतासगढ़ का, और उन्होंने अपने बेटे रोहितश्व के नाम पर उसका नाम रोहतासगढ़ रखा था। देयर इज एंशियंट टेम्पल ऑफ शिवा नोन एज चौरासन मंदिर, यानी कि एक प्राचीन मंदिर है शिव का, शिव भगवान का एक प्राचीन मंदिर है, जिसे चौरासन मंदिर के नाम से स्थानीय लोग उसे चौरासन मंदिर के नाम से बुलाते हैं। दूसरा है टॉम्ब ऑफ शेरशाह, यानी कि शेरशाह का मकबरा है स्थित यहाँ रोहतास जिले में। तो इट इज अ मॉशोलियम ऑफ शेरशाह एंड इज बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ पठान आर्किटेक्चर। तो शेरशाह का मकबरा है यहाँ, जो कि एक नमूना है, बहुत अच्छा नमूना है। किसका? तो पठान आर्किटेक्चर का, पठानों के द्वारा जो वास्तुकला की गई थी उसका एक बहुत ही अच्छा नमूना है शेरशाह का मकबरा यहाँ। अब रोहतास जिले का मैंने जो इसके बताया कि चारों तरफ है कौन कौन से जिले हैं, तो यही है कि नॉर्थ में है भोजपुर और बक्सर, साउथ में है पलामू एंड गढ़वा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, इसके वेस्ट में है कैमूर, और ईस्ट में है औरंगाबाद और अरवल। अगर आप क्राउन बिहार जीके का बुक देखेंगे तो वहाँ औरंगाबाद और जहानाबाद दिया हुआ है रोहतास जिले के ईस्ट में, यानी कि रोहतास जिले के पूर्व में औरंगाबाद और जहानाबाद दिया हुआ है। लेकिन अगर आप मैप ध्यान से देखेंगे तो जहानाबाद नहीं, अरवल जिला है इसके ईस्ट में, क्योंकि जहानाबाद को ही विभाजित करके अरवल जिला को बनाया गया था। पहले ये जहानाबाद ही था, लेकिन जहानाबाद का विभाजन कर दिया गया और इसे छोटा सा जिला अरवल बनाया गया, तो इस वजह से इसके ईस्ट में अरवल जिला आ गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे बुक में पढ़ते समय। तो ये रहा रोहतास जिले के बारे में जानकारी, जो हमें एग्जाम के दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।